ऐसे करके आपको एक दिन में भी जॉब मिल सकता है यदि बोलते हैं हाँ वैकेंसी है आ जाओ बनने से। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर, डू यू स्पीक हिंदी? ओके सर, देन इट्स ओके। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू इंक्वायर अबाउट द वैकेंसी, डू यू हैव एनी वैकेंसी सर? सर एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर सिक्योरिटी गार्ड सर। हे गुड मॉर्निंग, नमस्ते रशीदिल, सलाम वालेकुम, हम सबको स्वागत करते हैं एक मज़ेदार वीडियो में, बोले तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ नहीं, आप दुबई में आने के बाद जल्द से जल्द कैसे जॉब आपको मिल सकता है, एकदम जल्द से जल्द तुरंत एक्शन कैसे हो सकता है, वो एक ट्रिक बताते हैं। हालांकि अभी तक हम लोग बहुत लोग ने बनाया है वीडियो कि आपको क्या कहते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जैसे हो गया इंडीड, हो गया लिंक्डइन, हो गया ट्यूबिजल, हो गया सो ऑन, नौकरी गर्ल डॉट कॉम, बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बताया जिसमें प्रोफाइल बनाने होता है, और वो हर किसी के बस में नहीं होता है। खैर फिर भी जिसकी बस में होता भी है तो वहाँ से जॉब मिलना है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, एक दो महीना। और आप सबको पता है दुबई का जो विजिट वीज़ा का टाइमिंग है वो कम कर दिया जाए, पहले 3 महीने का था तो अब सिर्फ 2 महीने का ड्यूरेशन बनाया, तो विद इन 2 मंथ्स में भी आपको 1 महीने के अंदर जॉब मिलना होगा, क्योंकि जब किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपके पास मिनिमम 1 महीना तो होना पड़ेगा ताकि उनको वीज़ा को प्रोसेस कर सकें, ठीक है। अदरवाइज आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करने के लिए फिर आपको या तो ओमन जाना होगा या फिर कहीं भी जाना होगा, इंडिया या नेपाल, कहीं भी आपको एक बार एग्जिट होना पड़ेगा। इनसाइड यूएई में आपका वीज़ा एक्सटेंशन नहीं होता आजकल, राइट? सो तो आपको यहाँ में डबल डबल खर्च ना हो, आपका जो भी रिक्स है वो मिनिमाइज हो सके, इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ। उसके सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जाऊँगा गूगल में, उससे पहले मैं अपना लैंडलाइन नंबर लेता हूँ, ये रहा मेरा लैंडलाइन नंबर, ताकि मैं आपको डेमो करके दिखा सकें इससे फ़ोन करके, ठीक है। और आपको ये स्क्रीन में देखने को मिलेगा मैं मोबाइल में क्या कर रहा हूँ। मैं गया गूगल में एंड यहाँ मैं टाइप करता हूँ, इसे ऑलरेडी मैं टाइप कर रखा है तो सबसे टॉप में है। जैसे कि मान लो यदि आप सेल्स का जॉब ढूंढ रहे हैं तो गारमेंट शॉप्स इन दुबई लिख सकता है, या सुपरमार्केट्स दुबई ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी आप जितना आपको पता है उतना। जैसे मुझे पता है अभी मतलब एक बंदा आके रखा हुआ है नेपाल से, और वो उसको जॉब चाहिए ऑब्वियसली सिक्योरिटी गार्ड में, तो हम उसके लिए जॉब ढूंढते हैं, ठीक है। तो आपको भी पता लग जाएगा किस तरह से ढूंढते हैं, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। मान लो जैसे SE Security, CURRITY सिक्योरिटी गार्ड कंपनी सिंधु में सबसे आगे में, चलो इसको दबा देते हैं। देन आप थोड़ा नीचे करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ देखते हैं ब्लैक हॉर्स सिक्योरिटी है ना, टॉप सर्विस है, तो उसको हम जस्ट एक बार क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है, ठीक है, फ़ोन नंबर में आप फ़ोन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ एडवांस आप क्या करना है, आपको एटलीस्ट उसका जो क्या कहते हैं वेबसाइट है उसमें भी आपको जाके देखना है। वेबसाइट में जान से आपको क्या मिलेगा, उसका ईमेल नंबर मिल सकता है, व्हाट्सअप मिल सकता है। जैसे देखो यहाँ पे व्हाट्सअप है, तो आप व्हाट्सअप में एक बार क्लिक करोगे तो डायरेक्ट व्हाट्सअप में चला जाएगा। देखो मैंने सेव कर रखा इसका नंबर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आगे अप्लाई किया था, अभी बस आपको दिखा रहा हूँ डेमो। तो यहाँ पे एक नंबर, इसको फ़ोन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपनी है, ब्लैक हॉर्स सिक्योरिटी है, रन सिक्योरिटी सर्विस है, लैंडमार्क है, उसके बाद देखो मोर बिजनेस, यहाँ में आपको क्लिक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अनलिमिटेड इस कंपनी का लिस्ट आपको मिल सके, ठीक है। देखो मैग्नम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्लीयरिंग, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, ट्रांसगार्ड हो गया, ट्रांसगार्ड एक कंपनी है, पहले ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही सर्विस करता था, लेकिन इसका अभी जो कंपनी इतना वास्ट हो गया, इतना बड़ा हो गया कि इसके अंदर अभी ग्रुप्स ऑफ कंपनी ज्वाइन होने लगा। अभी ये क्लीनिंग कंपनी देता है, बहुत कुछ और भी सर्विस देता है, लॉजिस्टिक भी बहुत सारा और कुछ देता है, ठीक है। ये बेस है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी सर्विस हो गया, आपका हवा सिक्योरिटी सर्विस हो गया, तो कितना सारा है, अल खलास सिक्योरिटी सर्विस हो गया, ब्लू डायमंड सर्विस हो गया, बहुत सारा, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। चलो इनमें से कोई भी एक रैंडम ले कंपनी का नाम उठाते हैं, फिर हम पता करते हैं क्या आपको पास जॉब है कि नहीं, ठीक है, तुरंत। अब ये करने से क्या फ़ायदा आपको पता है, आपको ये फ़ायदा रहेगा कि किसी कंसल्टेंसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंसी एजेंट और आपका पैसा लेने का बावजूद भी वो ये काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस काम के लिए पैसा लगता है, आपका मोबाइल का बैलेंस खर्चा होता है, आपका टाइम खर्चा होता है, आपका इंटेंशन खर्चा होता है, मतलब आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है किस कंपनी को बात करना है, कैसे करना है, तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने रैंडमली देखते हैं अभी कुछ कंपनी को लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड, जैसे डीम सिक्योरिटी सर्विस है, आज सिक्योरिटी गार्ड सर्विस है, मुझे अभी इन सब सिक्योरिटी गार्ड नाम का नहीं पता इन कंपनी का, फिर थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा लगे मुझे, आसान से मैं प्रोनाउंसिएशन कर सकें उस कंपनी को,
इमरात सिक्योरिटी, चलिए इसको फ़ोन कर देते हैं। ये तो बन है लगते कंपनी, इसमें इतना एक्टिविटीज नज़र नहीं आ रहा है। छोड़ो इसको नहीं करते हैं क्योंकि इसके वेबसाइट ही मज़ा नहीं है, मतलब कंपनी का क्या हाल होगा तो सोचा जा सकते हैं। सेफ गार्ड सिक्योरिटी, हाँ ये इसको करते हैं। चलिए यहाँ पे एक है जिस कंपनी का नाम है सेफ गार्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग LLC, बाप रे। तो इसका लाइन नंबर दिया, मैं अपना लाइन नंबर यूज़ करता हूँ ताकि इससे मैं जितना भी फ़ोन कर सकते हैं, मेरा ये फ्री है मतलब मंथली है। ओके 4284857223। फोन रिंग हो गया, देखते हैं उठाता नहीं। सेफ गार्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग LLC, वाह नाम तो खतरा है। हाय गुड आफ्टरनून, इज दिस सेफ गार्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग LLC? थैंक यू। एक्चुअली आई एम जस्ट इंक्वायरिंग रिगार्डिंग द वैकेंसी, डू यू हैव एनी वैकेंसी मैडम? सिक्योरिटी गार्ड, सॉरी मैम आई डिड नॉट गेट यू। यस 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 आई एम हियरिंग नाउ। ओ यू डोंट हैव सिक्योरिटी, आई मीन एनी वैकेंसी? Do you any by chance having in future? Okay, is it possible? Can you transfer the call? Is it possible? Thank you so much. जिसने फ़ोन उठाया जो रिसेप्शन में, उनको नहीं पता है तो मैंने बोला HR को फॉरवर्ड कीजिए फ़ोन, फिर मैं HR से बात करता हूँ, देखते हैं HR उठाता या नहीं। HR को फ़ोन ट्रांसफ़र किया गया है और लाइन में है, देखिए है ना, सुना दे रहा है? उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया तो क्या कर सकते हैं, राइट? लगता नहीं उठाएगा, नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तब तक हम और एक कंपनी का नाम चेक कर लेते हैं, एक कंपनी का नाम और चेक कर लेते हैं। बहुत लंबा चौड़ा वेटिंग में रख रहे हैं तो सबका इतना बस में नहीं रहेगा कि इतना बैलेंस वेस्ट कर रहे हैं। हेलो हाय गुड आफ्टरनून मैडम, मैडम एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो डू यू हैव एनी वैकेंसी? ओके सर थैंक यू। HR वाला नहीं उठाया तो रिसेप्शन ने उठाया वापस, तो बोल रहा कि नहीं है वो HR वाला फ़ोन नहीं उठाया इसलिए मैंने वापस कर दिया। चलो इशू, अब मैं किसी और कंपनी को फ़ोन कर देते हैं। तो पहला हमारा ट्राई फेल हो गया, दूसरी कंपनी चलिए, और दूसरी कंपनी में हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक है एक्सिस इवेंट सिक्योरिटी LLC, इस कंपनी में ट्राई करते हैं। चलिए 04336860। पहला का ट्राई फेल हो गया जिसमें क्या कहते हैं आपको वैकेंसी नहीं है बोला, नहीं है बोलने से उसने कहा क्या कहते हैं रिसेप्शन में HR वाला फ़ोन नहीं उठाया था। अब हम ट्राई करते हैं एक्सिस इवेंट एंड सिक्योरिटी LLC। हाय गुड आफ्टरनून मैडम, इज दिस एक्सिस इवेंट एंड सिक्योरिटी LLC? Yeah, actually, I'm just would like to know about the vacancy. Do you have any vacancy? Thank you so much. Yes, please. 050-535-3521. Please let me repeat. 050-535-3521. What is good name? Mamu. Okay, thank you. Is it the HR? Okay, Mamu. उसने एक नंबर दिया जो अपना काम लग सकता है, मामू बोला ना, हमारे इंडिया में तो मामू बोलने से तो किसको बोलते हैं पता नहीं होगा आपको, मामू फिलहाल के में HR का नाम सेव करते हैं, HR, ठीक है। इसने बताया कि इनको कॉन्टेक्ट करो, हो जाएगा शायद। चलिए
तो मामू जी को हम कांटेक्ट करने से पहले देखते हैं मामू जी का व्हाट्सएप है कि नहीं। यस, मामू जी का व्हाट्सएप है। इसमें मैसेज करते हैं मामू जी का, हाय गुड आफ्टरनून सर। आपको पता है मैंने सर क्यों बोला? क्योंकि इसके में देखो प्रोफाइल में एक सर है और मुझे लगता है ये इजिप्शियन है, मुझे नहीं पता, जो भी हो बस मैं इतना मैसेज करूँगा। उसके बाद जो बंदा नेपाल से आया है फिलहाल, जो अपना क्या कहते हैं जॉब ढूंढ रहा है, उसका सीवी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन सीवी डालने से पहले मैं उनसे पूछ ही लेता हूँ। ठीक है, ओके। फिलहाल और हम एक दो कंपनी में फ़ोन करके बात करते हैं, उसकी बात खलास करते हैं, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप में बहुत सारा मैसेज आ रहा है। तो मेरा जी जो लैंडलाइन से आपको बात करवाया, शायद आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या क्या बात किया। और दूसरी बात, जो मैं इंग्लिश में बात करता था वो इसलिए, जितना मैं फ़ोन करता वो फिलिपिनो लोग था, रिसेप्शन में ज़्यादातर दुबई में फिलिपिनो होता है, राइट। और ऑब्वियसली फिलिपिनो है तो वो हिंदी बात नहीं जानेगा। काश कोई लड़का उठाता तो डेफिनेटली हमारा इंडियन या नेपाली ही होता, या बांग्लादेश या पाकिस्तान का होता, तो मैं हिंदी में कर सकता था। ओके, सो मैं एक और कंपनी आपको उदाहरण के तौर पे उठाऊंगा, कैनोपी सिक्योरिटी सर्विसेज LLC। चलो इसको ट्राई करते हैं, बस यदि आपका लग अच्छा हो तो कोई हिंदी में बोलेगा। ये मेरा मोबाइल से फ़ोन कर रहा है ताकि लाउड स्पीकर के आपको सुना सकें। 0426316111। आप ऐसे करने से आपको थोड़ा खर्चा होगा, 10-20 रुपया, मतलब आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप डायरेक्ट HR को कांटेक्ट कर सकते हैं, ना कि किसी एजेंट, ना ही HR, आई मीन सॉरी कंसल्टेंसी, राइट। ऐसे करके आपको एक दिन में भी जॉब मिल सकता है, यदि बोलते हैं हाँ वैकेंसी आ जाओ बोलने से। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर, डू यू स्पीक हिंदी? ओके सर, देन इट्स ओके। एक्चुअली सर, इंक्वायर अबाउट दी वैकेंसी, डू यू हैव एनी वैकेंसी सर? सर एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर सिक्योरिटी गार्ड सर। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो सर, आई डोंट हैव एनी सीरा एंड PSBD, डू यू एक्सेप्ट फ्रेशर? ओके फाइन, देन आई विल जस्ट सेंड माई रेज्यूमे टू योर ईमेल। थैंक यू सर। एंड व्हाट्स योर गुड नेम सर? ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, गलत नहीं है। आपके पास बैलेंस है तो आप फ़ोन करो। आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकते तो सबको पूछो, आई मीन क्या आप हिंदी बोल सकते हो? हिंदी बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते, अच्छा नहीं भी सकता तो कोई बात नहीं। खैर, इसने बोला हिंदी इतना नहीं आता, इंग्लिश में बात करो, तो मैंने कोशिश किया, खुद भी इंग्लिश में थोड़ा बात करी, पूछने को पूछा मैंने सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं। तो इसने बोला फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ आप CV भेजो, कल को होगा तो हम आपको हायर कर लेगा, राइट। इसका नाम आदित्य कुछ बताया है, और ये ऐसा कंपनी था जिसको सीरा नहीं भी होता तो चलेगा, हम हायर करते हैं, आपने सुना राइट, मैंने लाउड स्पीकर किया था। सो इस तरीके से आप जॉब एक दिन में भी मिल सकते हैं, या 2 दिन में, या हफ्ता भर में मिल सकता है, लेकिन खर्चा थोड़ा सा है, बस बैलेंस होके और फ़ोन करना है। लेकिन बैलेंस कितना जाएगा? ज़्यादा से 10-20-30-50 रुपया, लेकिन आपको देखो कितना अनुभव मिलेगा इस चीज़ से, किस तरह से बात करना है। पहली बार आपको बहुत हिचकिचाहट होगा बात करने, हेजिटेशन हो, कैसे करें कैसे करें, डरेगा, नेक्स्ट टाइम आराम से कर लेगा, राइट। लेकिन कितना बेहतर है ये, एक तो आप इम्प्रूव हो रहा है, दूसरा आप नहीं किसी कंसल्टेंसी, नहीं किसी एजेंसी का फंस रहा है जिससे आपको 1000, 1500, 2000 सिक्योरिटी का जॉब मिलने के लिए हमें कंसल्टेंसी आपको 3-4 हज़ार रुपये मांगते हैं, पता है, वो भी बच जाएगा। और दूसरी बात, आपका ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा, यहाँ इंटरव्यू देने जाओ, वहाँ इंटरव्यू देने जाओ, काम होगा नहीं होगा, टाइम सेविंग होगा। सो बहुत फ़ायदेमंद है, ये ट्राई ज़रूर करें यदि आप दुबई में आते हैं तो। ओके, सो ये एक छोटा सा अपडेट लेके आपके पास आया। सो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मज़े कीजिए, बाय बाय।